हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। आज हम लोग बीएसटी में यूनिट वन डिस्कस करेंगे क्लास इलेवेंथ का, ओके। और हमारा आज का टॉपिक है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हम लोग बिजनेस के नेचर और उसके पर्पस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी को मेनली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या हम लोग दो पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा हमारा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में ही क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है वो दो ही एक्टिविटी हो सकता है, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका आएगा लव, सोशल वेलफेयर, ओके, वर्शिप। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने तीन चीज़ें पढ़नी है बीएसटी में। पहला हमारा आएगा प्रोफेशन, सेकंड हमारा आएगा एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड हमारा है बिजनेस। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी हम उसको पैसे से उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी का केयर करते हो या आप किसी का से प्यार करते हो, तो आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को सिंपैथी दे रहे हो, तो आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते। देन वी हैव सोशल वेलफेयर। आप सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हो, या सोसाइटी से रिलेटेड आप कोई आपका कोई इंटेंशन है, या आप उसके वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, तो आपका यही इंटेंशन है कि मैं अपने सोसाइटी को डेवलप करूं, उसके लिए कुछ मैं बेटर करूं या कुछ काम करूं जिससे हमारे सोसाइटी को और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बेनिफिट हो। देन वी हैव वर्शिप। अगर हम वर्शिप करते हैं, तो उसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको हम पैसे से उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। नौ, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं, जिसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं कि हमारा इतना टाइम में इतना पैसा लगा है, या हमने इतना पैसा खर्च किया है, या हमने इतना पैसा गेन किया है या कमाया है। पहला पॉइंट इसमें आएगा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इसका मतलब होता है कि हम किसी के अंडर काम, यानी जो हमारा नॉलेज है या हमारा सिस्टमैटिक नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रोफेशन में आपको याद रखना है कि ये सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। प्रोफेशन क्या है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है जिसके अंदर हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जिसके अंदर हमारा इंटेंशन होता है कि हम अपने सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करें। इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा, अगर हम प्रोफेशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमारा आएगा डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, है ना, ये सारे आएंगे प्रोफेशन के अंदर। अगर हम डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं या लॉयर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ का कुछ पार्ट एजुकेशन को गेन करने में लगाते हैं, वहाँ वो डिग्री एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, देन आफ्टर इंटरव्यू, टेस्ट और एग्ज़ाम के बाद उनका क्या होता है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो एक सर्विस मोटिव के इंटेंशन से सोसाइटी को सर्व करते हैं। लॉयर है, वो क्या हासिल करेगा, वो LLB का डिग्री एक्वायर करेगा, ठीक है। LLB का डिग्री एक्वायर करने के बाद तब हम उसे बोलेंगे कि वो एक लॉयर है और वो सोसाइटी को सर्व कर सकता है। एक CA है, वो भी सोसाइटी को सर्व कर सकता है। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हमारे पास टैलेंट है, स्किल है, और उसी स्किल और टैलेंट के आधार पर
हम किसी के ऑफिस में काम करते हैं, किसी के फैक्ट्री में, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है, द थिंग इज कि आप किसी के अंदर काम कर रहे हो और वो आपको टाइमली सैलरी दे रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट में हमें सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है, जिसे हम रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं। तो सैलरी मिल रहा है या वेजेस मिल रहा है, कहाँ मिलता है वो? एम्प्लॉयमेंट में मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में हम अपने जॉब को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसके आधार पर हम किसी कंपनी या किसी ऑफिस में काम करते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बिजनेस। ओके, बिजनेस क्या है? तो बिजनेस को हम लोग पढ़ देंगे बिजनेस के डेफिनेशन के साथ। बिजनेस का क्या डेफिनेशन है? बिजनेस इज अ वाइड टर्म। बिजनेस क्या है? एक वाइड टर्म है। इट इंक्लूड ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। जिसमें क्या होता है, पीपल जो है वो अर्निंग इनकम, बिजी होते हैं कुछ ना कुछ कमाने में, एदर बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में हम दो ही काम कर रहे होते हैं, या तो हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होंगे या किसी हम सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसके आधार पर हम अपने बिजनेस को रन कराते हैं और एट द एंड उसी बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। प्रॉफिट को हम बिजनेस का रिवॉर्ड बोलते हैं। हम जितना अपना स्किल उसमें लगाते हैं, जितना कैपिटल लगाते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हम जितना भी रिसोर्सेज अगर अपने बिजनेस में लगाते हैं, उसके बदले में जो हमें मिलता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो बिजनेस एक वाइड टर्म है, जिसके अंदर पीपल जो है वो कुछ ना कुछ कमाते हैं, और वो दो ही काम करके कमाते हैं। या तो वो प्रोडक्शन करेंगे, किसका प्रोडक्शन करेंगे, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, या वो किसी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। तो बिजनेस आपका छोटा है या बिजनेस आपका बड़ा है, उसी के आधार पर आप उसमें कैपिटल लगाते हो। कैपिटल क्या है? वो पैसा है जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो एट द टाइम ऑफ जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और जब आपको बिजनेस में लगता है कि आपको और पूंजी लगाना चाहिए, और कैपिटल लगाना चाहिए, तो आप वहाँ कैपिटल को इन्वेस्ट करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि मुझे और बिजनेस को डेवलप करना है, मुझे और रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो फाइनेंस रिसोर्स के साथ आप कैपिटल आप बिजनेस में इनपुट करते हो, और उसी के आधार पर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हो। इसमें एक चीज़ और समझने का है कि प्रॉफिट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने में या किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में। अगर हमारा एक बिजनेस है या हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाया है, तो हमारा पर्पस होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। ये हर एक बिजनेसमैन का इंटेंशन होता है कि उसे मार्केट में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, जिसके आधार पर वो प्रोडक्शन करता है या वो सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये था डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ बिजनेस, और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या बिजनेस का क्या नेचर है? द फर्स्ट नेचर वी हैव इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सोसाइटी में दो ही एक्टिविटी करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं। तो बिजनेस में हमने कैपिटल लगाया है और बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें लाभ हो रहा है। तो इस लाभ को हम वैल्यू में निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग बिजनेस में या बिजनेस करते हैं तो उसमें हम या तो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं।
अगर हमने प्रोडक्शन करना है तो हम उसी गुड्स को सेल आउट भी करेंगे। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिजनेस है आपका। आप बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन किए हुए गुड्स को आप क्या करोगे, सेल आउट करोगे, है ना, सेल आउट करोगे। या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उस सर्विस को आप प्रोवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जो कस्टमर जितना डिमांड करेगा उसी के आधार पर आप उस सर्विस को प्रोवाइड करोगे या आप उस गुड्स को सेल आउट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस है, या तो आप बिजनेस में प्रोडक्शन करोगे या आप गुड्स को प्रोक्योर करोगे। जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, गुड्स को बना रहा है, आप वहाँ से अपने शॉप में उस गुड्स को लोगे और आप कस्टमर को सेल आउट करोगे। ओके, फर्स्ट इसमें है प्रोडक्शन। आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके, और आप उसे मार्केट में सेल आउट कर रहे हो। द नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है प्रोक्यूरमेंट। आप परचेस करके ला रहे हो और उसे सेल आउट कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आप वन टाइम अगर कोई एक्टिविटी करते हो और आपके पास कोई मोबाइल है और आप उसको सेल आउट कर दिए तो वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा या वो बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो आपका रेगुलर बेसिस पे नहीं है। अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करोगे, कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिटेलर है या एक मोबाइल शॉप है, वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से मोबाइल को परचेस करता है और अपने शॉप में ला करके एक पर्टिकुलर प्लेस है और पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल आउट करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा गुड्स का सेल आउट हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि बिजनेस अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसका बिजनेस रेगुलर होना चाहिए, लगातार वो उसमें वो एक्टिविटी होना चाहिए। अगर वो एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं रहेगा, रेगुलर नहीं रहेगा, तो हम उसे बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट थ्री में एक चीज़ और समझने का है कि मैंने आपको बताया कि या तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और उसका आपने सेल्फ कंजम्पशन कर लिया तो वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फार्मर है और उसने किसी क्रॉप का कल्टीवेशन किया है, खेती किया है, और खेती करने के बाद उसने खुद उसको कंज्यूम कर लिया है और मार्केट में उसको सेल आउट नहीं किया है, तो उसको हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो बिजनेस वही होता है कि आप सेल्फ कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को सेल आउट कर रहे हो, कस्टमर को बेच रहे हो, मार्केट में गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, देन ओनली वी कैन से कि ये हमारा बिजनेस है। और यही पॉइंट यहाँ भी बोलता है कि रेगुलर कर रहे हो, आप लगातार उस चीज़ को कर रहे हो, उसमें आप डिले नहीं कर रहे हो या आप वन टाइम करके उसको छोड़ नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रॉफिट अर्निंग। हमारा बिजनेस है, किसी का भी बिजनेस होता है, बिजनेसमैन का इंटेंशन रहता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट सर्वाइव आवर बिजनेस और वी कैन नॉट ग्रो आवर बिजनेस और एक्सपैंड आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमने प्रॉफिट नहीं कमाया। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा, तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, अर्थात नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड हो जाएगा, जिसका इंटेंशन होता है सोसाइटी को सर्व करना। लेकिन बिजनेस का पर्पस होता है टू अर्न समथिंग, यानी प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट अगर हम कमाएंगे तो वो हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा, हमारे बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, जिसके आधार पर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी इनबिल्ड कर पाएंगे, न्यू इक्विपमेंट के थ्रू हम प्रोडक्शन कर पाएंगे और हमारे गुड्स का प्रोडक्शन भी अच्छा हो पाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में अनसर्टिनिटी हमेशा बना रहता है, यानी इसमें आपको गारंटी नहीं है कि आप जितना इनपुट डाल रहे हो आपको आउटपुट भी उतना मिले।
ये बिल्कुल आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते या श्योरिटी नहीं दे सकते कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है या मैंने इतना चीज़ इसमें लगाया है तो मुझे रिटर्न भी उतना होगा। उसमें हमेशा अनसर्टिनिटी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क बिजनेस में हमेशा एग्जिस्ट करता है। रिस्क जो है, आप बिना रिस्क लिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते या किसी भी बिजनेस को आप रन नहीं करवा सकते। बिजनेस को रन करवाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कभी हमारे बिजनेस के लिए कोई कंडीशन फेवरेबल हो सकता है और कोई कंडीशन अनफेवरेबल हो सकता है, बट एज अ बिजनेसमैन मैं चाहूँगा कि मैं रिस्क लूँ और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें इनपुट लगाऊँ और मुझे उसी के आधार पर आउटपुट भी मिलेगा। तो बिजनेस में रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि आप बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाओ। द नेक्स्ट वी हैव इज डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का क्या डेफिनेशन है? इससे पहले हम लोगों ने बिजनेस का डेफिनेशन और उसके नेचर एंड करेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन का। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। ओके, जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होता है एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। प्रोफेशन के अंदर जो पर्सन होता है, जो प्रोफेशनिस्ट कहलाता है, उसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल होता है जिसके आधार पर वो सोसाइटी को सर्व करता है, सोसाइटी को वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है और वो इम्पार्शियलिटी यानी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, सबको एक जैसा देखता है और उसी के आधार पर वो क्या करता है, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवाता है सोसाइटी में। तो प्रोफेशनल्स में हमने देखा कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और स्किल होना चाहिए और सर्विस मोटिव होना चाहिए। इसी का फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ प्रोफेशनल प्रोफेशन? द फर्स्ट फीचर वी हैव इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, अर्थात हम इसको कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे गेन करेंगे, थ्योरीज को पढ़ करके, ओके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके, चीज़ों को एब्जॉर्व करके, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इसे गेन करेंगे। और जो हमारा नॉलेज होगा वो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी यानी सिस्टमैटिक वे में होगा, प्रोसेस वे में होगा। हमें किसी भी चीज़ को अगर गेन करना है या हम चाहते हैं किसी चीज़ का नॉलेज एक्वायर करें, उसके लिए हमें प्रोसेस को फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर हम प्रोसेस को फॉलोअप नहीं करेंगे और प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हम किसी भी चीज़ को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी को, बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हमें प्रोफेशन में हमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। देन वी हैव इज एंट्री रिस्ट्रिकेटेड बाई क्वालिफिकेशन। इसमें जो एंट्री है वो रिस्ट्रिकेटेड है। कैसे है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनोगे तब जब आपके पास MBBS या मेडिकल लाइन का डिग्री होगा, देन ओनली आप कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहलाओगे, आपको लोग डॉक्टर बोलेगा। तो यहाँ पर एंट्री जो है वो रिस्ट्रिकेटेड है क्वालिफिकेशन के आधार पर। आपके पास उतना क्वालिफिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए कि आप सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करा पाओ। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपके पास MBBS का डिग्री, ओके, अगर आप एक लॉयर हो तो आपके पास LLB का डिग्री, ओके, तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, देन ओनली आप अपनी सर्विस को सोसाइटी में सर्व कर पाओगे। तो अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इसमें अपनी सर्विस को नहीं दे पाओगे, आप इसमें एंट्री नहीं कर पाओगे। वही व्यक्ति प्रोफेशनल कहलाएगा जिसके पास उस प्रोफेशनल का डिग्री होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सर्विस मोटिव। अगर मैंने नॉलेज एक्वायर किया है, अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन है,
मैंने सारा क्राइटेरिया को फुलफिल किया है देन ओनली, तो जो थर्ड पॉइंट हमें डिक्लेयर करना है वो है सर्विस मोटिव। अब हमें अपनी सर्विस को सोसाइटी में सर्व करना है, किस तरीके से सर्व करना है, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, इम्पार्शियली। हमें सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें सोसाइटी में सबको एक जैसा लेकर के अपने सर्विस को सर्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आएगा आपका कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके आधार पर हम उस प्रोफेशन को रन करवाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन। ओके, एक व्यक्ति है वो किसी के अंडर जॉब करता है जिसके जगह पर उसे सैलरी मिलता है, जिसको वो जहाँ जॉब करता है उस जॉब का कंपनसेशन उसको मिलता है, जिसे हम सैलरी या वेजेस बोलते हैं। इसका कुछ फीचर है, नंबर वन फीचर वी हैव इज द एम्प्लॉय गेट सैलरी रिलेटेड बेनिफिट्स एज अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विस। अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है, अगर वो वहाँ अपना समय दे रहा है तो वहाँ से उसको सैलरी या वेजेस मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर अकाउंटेंट का जॉब करता है, उसने अगर अपना वहाँ समय दिया है और वहाँ का क्राइटेरिया या जो ड्यूटी उसको असाइन किया गया था, अगर उसने वो ड्यूटी फुलफिल किया है, देन ओनली दैट पर्सन विल गेट सैलरी। ठीक है, तो सैलरी या वेजेस जो है वो उसका क्या है, रिवॉर्ड है। सैलरी या वेजेस क्या है, उसका रिवॉर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एन एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज और हर जॉब टू अनदर। अगर किसी व्यक्ति का चयन किसी पोस्ट के लिए हुआ है तो वो अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव या अपने भाई को अपना जॉब ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर हमने किसी व्यक्ति को किसी पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया है तो उसने वहाँ पर इंटरव्यू दिया होगा, वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, मैंने उसका क्वालिफिकेशन चेक किया होगा, जिसके आधार पर उसको वहाँ पर जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद वो अपने जॉब को दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयमेंट का जो फीचर है वो सेकंड में यही डील करता है कि आप अपने जॉब को या आपको जिसके लिए हायर किया गया है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो अपने जॉब को किसी और को। द थर्ड पॉइंट वी हैव इज इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द ड्यूटीज असाइन बाय द एम्प्लॉयर। हमें जो एम्प्लॉयर के द्वारा ड्यूटी असाइन किया जाता है या जो हमारा बॉस है वो हमें ड्यूटी जो देता है वो ड्यूटी हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें वो टाइमली सैलरी नहीं देगा। उसने इसीलिए हमें हायर किया है ताकि हम वो उस जगह पे जा कर के उसके काम को पूरा कर पाए। ठीक है, सो द नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव में डील करेंगे। एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट का क्या रोल होता है हमारे बिजनेस में। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट पर्पस इज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस होता है कि वो रिजल्ट शो करे। कौन सा रिजल्ट शो करे, इकोनॉमिक रिजल्ट शो करना ही उसका पर्पस होता है, जिसके आधार पर हम अपने बिजनेस को जज कर पाएंगे, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन हम डिटरमाइन कर पाएंगे, हमें कितना इनपुट लगाना है, हमें कितना और हम रिसोर्सेज को लगा सकते हैं, ये सारा हम तब जान पाएंगे जब हमारे पास इकोनॉमिक रिजल्ट होगा। देन ओनली हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना है या किस डिपार्टमेंट में हमें ज़्यादा और बेटर करने का प्रयास करना है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर वन वी हैव इज अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो पहला पॉइंट है वो है अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट जो है वो आपके लॉस को कंपनसेट करता है। आप अगर प्रॉफिट कमाओगे तो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा
और अच्छे से अच्छा आप टेक्नोलॉजी लगा पाओगे, आप बिजनेस में के लिए रॉ मटेरियल अच्छा परचेस कर पाओगे, आप बिजनेस के लिए अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे एम्प्लॉय हायर कर पाओगे। अच्छे एम्प्लॉय अगर आपके बिजनेस में होंगे तो वहाँ पर आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ेगा। तो प्रॉफिट अर्न करना ये हर बिजनेसमैन का या बिजनेस का मोटिव होता है और उसी मोटिव के साथ वो अपने बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाता है। अगर जो भी बिजनेसमैन है अगर उसने नहीं सोचा है कि मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे केवल सोसाइटी को सर्व करना है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा। तो इंक्लूड करने के लिए हमें इकोनॉमिक प्रक्रिया को फॉलोअप करना पड़ेगा। ओके, प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि आपका जो एक्सपेंस है, आपने जितना खर्च किया है वो आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। एक्सपेंस जो होगा आपका वो कम होगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। आपने जितना खर्च किया है अगर उससे ज़्यादा आप गेन कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप कमा रहे हो, तभी वो प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, अन्यथा वो इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट जो है वो बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करता है, बिजनेस को कंटिन्यू रखने में हेल्प नहीं करता है, बट वो बिजनेस के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अगर हमने प्रॉफिट कमाया तो हम सर्वाइव भी कर पाएंगे और बिजनेस को एक्सपैंड भी कर पाएंगे, एक्सपैंड भी और वी कैन से ग्रोथ कर पाएंगे उसका। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी आपको प्रॉफिट की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है 100 लोगों के साथ, आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है, आपका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गया, आपका जो गुड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल आउट हो रहा है, कस्टमर आपके गुड्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो अब आपका दायित्व बनता है कि और बेटर करके आप उन्हें दो। तो आप बेटर कब कर पाओगे, जब आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होंगे और वो अपना फोकस प्रोडक्शन में करेंगे, जिसके आधार पर आपका गुड्स का क्वालिटी बेटर होगा, देन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर का क्रिएशन करना या कस्टमर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर को हम कैसे अपने गुड्स को परचेस करने के लिए बोल सकते हैं, तो हमारा जो गुड्स है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, गुड्स का जितना अच्छा क्वालिटी होगा कस्टमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेगा। तो कस्टमर तभी आपके गुड्स को परचेस करेगा जब उसका क्वालिटी अच्छा होगा। अगर आपका बिजनेस अभी नया है और आपका मार्केट में गुड अभी सप्लाई हो रहा है, तो आप जितना गुड्स को सप्लाई करोगे उसका अगर क्वालिटी अच्छा रहेगा तो कस्टमर उसे परचेस करेगा, कस्टमर उसे परचेस करेगा और यूज़ करेगा। अगर उसको क्वालिटी अच्छा लगा, प्राइस अगर आपका रीजनेबल रहा, वेट अगर आपका ठीक है, तो कस्टमर उसको डे बाय डे या अगेन एंड अगेन अगर उसे परचेस करेगा, तो इस तरीके से आपका मार्केट में गुडविल बनेगा, आपका रेपुटेशन बनेगा और इस आधार पर आप क्रिएशन ऑफ कस्टमर कर पाओगे। अगर आप बिजनेस में क्रिएशन ऑफ कस्टमर नहीं कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टाइम तक बिजनेस में नहीं बने रहेंगे। वो बिजनेसमैन जो मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को कैप्चर करता है, ओके, अगर आपने लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को कैप्चर किया है तो ही आप बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर हैं तो वहीं पर आपको नंबर ऑफ प्रोड्यूसर भी मिलेंगे, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में बहुत ही टाइट कंपटीशन है। अगर आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप अपने गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन नहीं करोगे और आपका जो प्राइस है वो रीजनेबल नहीं रहेगा, कस्टमर के डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, तो आप कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। कस्टमर अट्रैक्ट होता है आपका रेट देखकर, आपका जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है आपका, उसका रेट कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, वो कस्टमर को कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाएगा, कस्टमर कैसे उसे सेटिस्फाई होगा, ये सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। तभी आप मार्केट में अपना पोजीशन बना पाओगे और आप अपने कस्टमर को क्रिएट कर पाओगे।
ओके. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब होता है कि आप कुछ न्यू ऐड कर रहे हो, न्यू आइडिया अपने प्रोडक्ट में आप इनबिल्ट कर रहे हो, लगा रहे हो. आपका जो प्रोडक्शन हाउस है आप उसमें प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स को, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें न्यू कर रहे हो या कुछ न्यू चीज़ ऐड कर रहे हो. कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट में सप्लाई हो रहा है, कस्टमर भी उसे परचेस कर रहा है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मैं लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करूं, मेरा जो प्रोडक्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर उसे परचेस करे, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो कर सकता है कि बाय दिस प्रोडक्ट एंड आई विल गिव यू वन प्रोडक्ट फ्री. आप अगर एक प्रोडक्ट मुझसे परचेस करोगे तो मैं इसके बदले में आपको या इसके साथ में एक प्रोडक्ट आपको फ्री दे दूंगा. जैसे कहीं पर सेल लगता है या बाय वन गेट वन फ्री होता है, जिससे कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करता है किसी प्रोडक्ट को. फॉर एग्जांपल अगर एक टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट में अगर मैंने टूथब्रश साथ में फ्री दे दिया, इससे क्या हो गया? थोड़ा कुछ उसमें इनोवेट हो गया. हमारा जो कस्टमर जो टूथपेस्ट परचेस कर रहा था, अब उसको परचेस करने के साथ में अब उसको टूथब्रश भी फ्री में मिलेगा. तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहे हैं, कुछ आइडिया लगा रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगा, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, हमारा कस्टमर क्रिएशन भी होगा, हमारे गुड्स में कुछ ना कुछ इनोवेटिव होगा. नेक्स्ट वी हैव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. वेरी मच इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेसमैन के लिए. मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है विथ नंबर ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस के साथ मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल बनाना है, रेपुटेशन बनाना है. लेकिन आप प्रॉफिट तभी कमाओगे जब आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाओगे, और आप कॉस्ट को तभी मिनिमाइज कर पाओगे जब आपका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, उसका वेस्टेज कम से कम होगा. अगर आप वेस्टेज मिनिमाइज कर पाओगे देन ओनली यू विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. अदरवाइज अगर आपका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग, उसका यूज़ आप बेटर नहीं कर पा रहे हो, यूजफुल तरीके से नहीं कर रहे हो, तो आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगा. जब भी कॉस्ट इंक्रीज करेगा आपका जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली डिक्रीज करता चला जाएगा. ठीक है, तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आपको कॉस्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा, और कॉस्ट आपका तभी डिक्रीज होगा जब आप अपने रिसोर्सेज का यूज ऑप्टिमम तरीके से करोगे, अच्छे से करोगे, अच्छे से उसका अगर यूज करोगे देन ओनली आप प्रॉफिट कमाओगे. तो रिसोर्सेज में आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, रिसोर्सेज में आपके पास रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, आपके आपने जो अपने प्रोडक्शन हाउस में मशीनरी को यूज़ किया है आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो, आप जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो आप उसका वेस्टेज कम से कम कर रहे हो, आपको जो सप्लायर रॉ मटेरियल परचेस सप्लाई कर रहा है क्या वो रीजनेबल रेट पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप सप्लायर से कंसेंट में रहोगे, देन जितने भी रिसोर्सेस है अगर आप उसका यूटिलाइजेशन परफेक्टली नहीं करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तब भी आपका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा. तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू श्योर कि हमारा जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. हमें बिजनेस में हमेशा अपना प्रोडक्टिविटी लेवल को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए. अगर हम इम्प्रूव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कस्टमर को खोते चले जाएंगे, हमारा कस्टमर कहीं और मूव ऑन कर जाएगा, कहीं और वो स्विच कर जाएगा, जिसके कारण हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, जिसके कारण जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो शायद धीरे धीरे मार्केट से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. तो आपका अगर प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा. अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट कर पाओगे. ओके देन, थैंक यू.